गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों हम पाठ 18 में र के रूप देख रहे हैं। इसमें हमने रेत की मात्रा देखी, पदेन की मात्रा देखी। आज हम इसका अभ्यास करेंगे जो कि फिर 113 पर है। देख लेते हैं, ये है आपका अभ्यास पन्ना, इस पर करेंगे हम आज। तो सबसे पहले है बोलो और लिखो, जो कि आपको खुद करना है। शब्द दिए हैं अर्थ, ग्रह, ट्राम, प्रार्थना। अब ये सारे शब्द बिंदुओं से बने हैं, आपको इसके ऊपर अपनी पेंसिल घुमाकर इसकी राइटिंग को अच्छी लिखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन चित्रों के नाम लिखो। हमने यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, हमें हम इस चित्र को देखकर नाम लिखना है। सबसे पहले है सूर्य, सूर्य। ठीक है, अगला चित्र है ट्रक, ट्रक। उसके बाद है चक्र, क्र की मात्रा देखो, पदन की मात्रा लगी इधर। और ड्रम, उसमें भी पदन की मात्रा है, पर क्योंकि ये ड है ये सीधे स्टैंडिंग लाइन नहीं है, इसलिए इसमें इस तरह की मात्रा लगी। तो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न हो चुका है। तीसरे प्रश्न में देखते हैं शब्दों को सही स्थान पर लिखो। अब हमें र के रूप के अलग अलग शब्द दिए हैं, इसको अलग अलग स्थान पर लिखना है। कुछ रेत की मात्रा है और कुछ पदेन की मात्रा है, अब हमें इसे अलग अलग लिखना होगा। चलिए तो हम यहाँ पे एक एक वर्ड पढ़ते हैं, एक एक शब्द पढ़ते हैं और उसको अपने अपने बॉक्स के नीचे लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास पर, पर उसमें रेत की मात्रा है, हम लिखेंगे पर। नेक्स्ट हमारे पास ड्रम, तो पदे की मात्रा ड्रम। अगला हमारे पास है क्रम, प्रश्न। अगला है प्रश्न, ड्राइवर, ड्राइवर। अगला है हर्ष, हर्ष। दर्पण, र की मात्रा देखिए कहाँ है, दर्पण। उच्चारण द पर, द के साथ है र का उच्चारण, पर हम लगा रहे हैं आगे के शब्द में दर्पण, है ना। नेक्स्ट ट्रेन, अगला हमारे पास ध्र, मात्रा के नीचे हमने लिख लिया। इसको एक बार चेक कर लेते हैं ये सही है या नहीं। पर, हर्ष, दर्पण, क्रम, ड्रम, ड्राइवर, ट्रेन। तो बच्चों यहाँ पे हमने अभ्यास पूरा किया है और पेज नंबर 113 में है, इसको आप देखकर कंप्लीट करोगे, अपने पुस्तक में इसको पूरा करोगे और कोशिश करें इसको घर में पढ़ने की और इसका उच्चारण समझ लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।